ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर के थाना गंगोह निवासी रिक्शा चालक यासीन उर्फ सीनू का 3 दिन से लापता था, जिसका शव करनाल के गांव घीट से मिला। पुलिस की कार्रवाई न होने से परिजनों ने जमकर हंगामा किया और शव को हाईवे पर रखकर हंगामा किया और हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचे, जाम खुलवाया और सभी परिजनों और ग्रामीणों को वहां से खदेड़ा। पूरा मामला जनपद सहारनपुर के थाना गंगोह का है, जहां पर 3 दिन से लापता ई रिक्शा चालक शीनू लापता था, जिसकी रिपोर्ट गुमशुदगी में थाने पर लिखाई गई थी, जिसकी तलाश परिजनों द्वारा की जा रही थी और पुलिस को गुमशुदगी की सूचना परिजनों द्वारा पुलिस को दे दी गई थी। लापता शीनू का शव करनाल के गाँव खीट से मिला है। पुलिस ने शीनू के शव को कब्जे में लेकर सहारनपुर पहुंचे थी। शीनू की मौत की खबर मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया था। परिजनों ने आज बस स्टैंड के हाईवे पर शव को रखकर हंगामा कर दिया और जाम लगा दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचे सभी लोगों को शांत कराया और समझा बुझाकर भेज दिया। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई है और कार्रवाई की मांग की। मृतक शीनू के परिजन वसीम ने बताया, 4 तारीख को लखनौती रोड पर एक अज्ञात युवक द्वारा 600 रुपये में जमुना से हरियाणा के लिए ले गया था और वहां से सामान लाने की बात कही थी। जब 24 घंटे बीतने के बाद शीनू घर नहीं लौटा तो हमने थाने से गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और लोकेशन चेक कराई तो लोकेशन शिमारो की आई। थाने से हमारे साथ कोई भी पुलिसकर्मी नहीं गया और 5 तारीख को हम सभी लोग सीनू की तलाश करने के लिए करनाल गए। लोकेशन के आधार पर मौके पहुंचे और कैमरे भी चेक किए गए। कैमरे के आधार पर उनकी लोकेशन के आधार पर हम लोग उनको ढूंढते रहे और उस दौरान पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की और 5 तारीख को करनाल पुलिस को सीनू का शव मिला और पुलिस ने इसको एक्सीडेंट दिखा दिया और गंगोह पुलिस द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और हम पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हैं कि पुलिस इस हत्या का खुलासा करें। मैं उनका भतीजा हूँ जी सर। 4 तारीख का दिन था और लखनौती रोड पे एक बंदा आया, उसने 600 रुपए के लिए जमुना से 6 किलोमीटर कह दिया, 6 किलोमीटर के अंदर अंदर मैं वापसी आऊंगा और 600 रुपए देंगे तो सामान लाना हरियाणा से। लेकिन जब 4 तारीख की 10 बजे रात के नहीं पहुंचे घर पे तो हमने छानबीन शुरू करी। हम थाने में आए 10 बजे, थाने में हमने फोन करवाया, वहाँ से लोकेशन सिमरों की आई। थाने से कोई नहीं चला हमारे साथ। हम रात को अपना टेम्पू करके चले, टेम्पू में कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन 5 तारीख को हम 10 मोटरसाइकिल वाले 10 बाइक हमारे साथ गई और हमने चप्पा चप्पा छान मारा। हमने जंगल में आसपास जिसने भी एरिया बताया वहाँ के कैमरे खंगाल करे तो कैमरों में 2 गाँव में हमें उनकी फोटोज मिली। उनकी फोटोज के आधार पर हम आगे गए, आगे हमने चेक करवाया, आगे नहीं मिला। कौन से गाँव है? सिमरो गांव जो है, सिमोरा। पुलिस वालों का काम हमारे को करना पड़ रहा है। सिमोरा जो गांव है हम वहां तक गए, हमने उसकी फोटो निकलवाई, वहां से नहीं कुछ मिला हमें और उस दौरान पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं करी। 4 तारीख की वारदात है और 5 तारीख को करनाल पुलिस को करीबन 2 रात्रि 2 बजे लाश मिली, बरामद हुई और वहाँ ये लिखा गया कि ये एक्सीडेंट के उसमें केस लगाया गया। गंगो से कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पुलिस वाला नहीं गया, कोई SHO नहीं गया, कोई मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई यहाँ की गंगो बरवारी में। हम इंसाफ चाह रहे हैं भाई, इंसाफ चाह रहे हैं जी। 24 घंटे के अंदर अंदर हमारा जो मुजरिम है हमें वो चाहिए जी, मुजरिम चाहिए हमें बाजी, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए जी हमें। मामला मर्डर का है और यहाँ से रिक्शा वाले को बुक करके लेके गया। आपका नाम? जमील, भतीजा। भतीजा, अब नाम यासीन है और इन्हें यहाँ से बुक करने के लिए लेके चले थे, यहाँ से 600 रुपए में इंद्री के पास जाने के लिए। और जब ये इंद्री के वहाँ पास पहुँचे पहुँच नहीं पाए वहाँ तक भी हैं। गांव है सलारपुरा, पहली पहचान हमें फोटोज मिली सलारपुरा गांव में, जो घीड़ से 2 किलोमीटर आगे है। तीसरी पहचान उससे सलारपुर से हमें तकरीबन 5-6 किलोमीटर के दायरे में तीसरी फोटोज मिल गई हमें। पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, हमने पुलिस को दिखाई गई यहाँ पे। उसके बावजूद हम कल फिर गए इनकी तलाश करने के लिए, वहाँ पूरे गांव आसपास का इंद्री का इलाका जंगल सारा छान मारा। 2 पुलिस वाले गए थे हमारे साथ यहाँ से, उन्हें हम कार में लेके गए थे, उन्होंने भी कुछ सहायता करी हमारे साथ में, थोड़ी बहुत ही करी, सिर्फ इतनी करी कि जहाँ कोई किसी ने कैमरा नहीं दिखाया वहाँ उन्होंने कैमरा खुलवा दिया, इतनी प्रतिक्रिया हुई। शाम को हम वहाँ पहुँचे इन पे तकरीबन इसके पास रंबा से, उसमें सुहांगा गाँव
वहाँ से एक आदमी से हमने जो पूछताछ करी उसने बताया कि भाई हमारे पास एक फोटोज आई हुई है, शायद आप देख लो, शायद थारा बंदा हो। उसने हमें वीडियो दिखाई उसकी, जब उसने हमने व्हाट्सएप पर उसकी वीडियो देखी तो हमने पहचाना है हमारा बंदा। तब हम वहाँ रंबा पुलिस स्टेशन पर पहुँचे, वहाँ से रंबा पुलिस स्टेशन से पुलिस हमारे साथ गई। वहाँ उन्होंने उसमें सरकारी जो हॉस्पिटल है कल्पना चावला वहाँ रखा हुआ था इसको, फिर हमने वहाँ जाके इसकी पहचान कर ली। पहचान करने के बाद हमने उनको बताया हमारा ही बंदा है। वहाँ इन्होंने हमारे से पशनामा भी करवाया, यहाँ से दो पुलिस भी गए, जिसमें एक दरोगा है साजिद अली, एक राठी है, एक अजय राठी, वो हमारी साथ वहाँ पुलिस। बताओ फोटो हमारे पास, हाँ उनके फोटो भी है हमारे पास, लेकिन इन्होंने लिपा पोती करने के लिए वहाँ एक्सीडेंट करार दे दिया गया। जिस सड़क पे ये मेन रोड पे पड़े हैं, फोर लेन वो है, फोर लेन पे एक साइड पे क्यारी है उसकी, और बीच वाली जो सड़क है, अगर फर्ज करो आपके सामने कोई एक्सीडेंट होता है, क्या वो उसके पैर पे कोई उतरेगा? पैर उसका लग होगा, ये क्या हाथ मरोड़ के जाएगा? वो हाथ इसका बजे इस तरीके से अगर छाती पे पड़ा है तो ये हाथ इधर है, मरोड़ के गिरा हुआ है। यहाँ मुँह पे भी सारा फूटा है, फोटो आपको दिखा देंगे। ये मर्डर केस है, यहाँ से जानबूझ के वो आदमी जिस तरीके से ज्ञात आदमी है, ये हम कह नहीं सकते वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है। इस तरीके से हमारे साथ ये घटना हुई। यहाँ पे कौन कौन होगा? यहाँ आप फिलहाल क्या मांगे? पास मिले और वो आदमी गिरफ्तार हो और हमारी रिक्शा भी मिले। जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि वहाँ से एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट मौके पर रिक्शा भी होनी चाहिए थी, एक्सीडेंट उसके साथ होना था। जब वहाँ मौके पर रिक्शा ही नहीं है, और यहाँ तक के जो कपड़े भी नहीं है उसके, लाश के ऊपर कपड़े नहीं, जो कपड़े पहन के जा रहा, दूसरे चेंज टी शर्ट पहनाई हुई है, सिर्फ एक पजामा मिला है, टी शर्ट दूसरी मिला दी, और पैरों में वो चप्पल पहनते हैं दूसरी, वो उसे जूते पहनाए हुए थे वहाँ मौके पर। ये तो मर्डर ही हुआ, उन्हें वहाँ पेश कर दिया सड़क पर डाल के, ये मर्डर हो गया है, हाँ वो एक्सीडेंट कर दिया।